प्रदेश की राजधानी जयपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की केंद्रीय सरकार से विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर चलाया जाएगा कैंपेन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने ये निर्देश दिए हैं। NSUI और कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की ओर से ये कैंपेन चलेगा। 10 जुलाई को सुबह 10 बजे ये अभियान शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि अभियान इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए परीक्षाओं को निरस्त कराने और विद्यार्थियों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने की मांग की गई। और सुशांत पारेख हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सुशांत, एक नई पहल क्या रंग लाएगी आने वाले वक्त में? देखिए, कांग्रेस का जो संगठन है छात्र संगठन, वो तो लगातार मांग कर ही रहा है केंद्र सरकार से भी राज्य सरकार से भी कि अलग अलग जो परीक्षाएं हैं वो इस वजह से कोरोना के चलते छात्र तैयारी नहीं कर पाए हैं तो उनका जो है परीक्षाओं को निरस्त किया जाए। राज्य सरकार ने फैसला इस संबंध में लिया भी था, जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को नहीं करवा के सभी को प्रमोट करवाने का निर्णय, लेकिन जो गाइडलाइन केंद्र सरकार से UGC की जो है वो उसके अकॉर्डिंग अब राज्य सरकार भी एक तरह की असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI और जो मीडिया प्रकोष्ठ है वो कल से एक कैंपेन चलाने जा रहा है ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके, जो मांग है छात्रों की वो केंद्र सरकार तक पहुंचाई जा सके, अपनी जो भावना है वो वहां तक पहुंचे, और साथ ही एक सीधा सा स्पष्ट उनका मकसद है कि जो परीक्षाएं अभी राज्य सरकार जिसकी बात कह रही है, छात्र संगठन कह रहे हैं, चाहे वो एक तरीके से, लेकिन सुशांत सवाल ये भी है कि जो मांग उठ रही है इसको आने वाले वक्त में कैसे किया जाएगा और कैसे देखा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है।